डिस्कस करेंगे एपीएस वर्सेस जैन के बीच जो होगा सेकेंड मैच पुणे ओलंपिया T20 का, बट उससे पहले मेरा तीन डिफरेंशियल पीक इस मैच में। देखो सबसे पहला बात, अगर सेम प्लेइंग 11 रहा एपीएस स्ट्रॉन्गर टीम है। ओम भोसले इनका ना स्टेट लेवल मतलब विजय हजारे ट्रॉफी का मैं बात कर रहा हूँ एवरेज 58 का है, मैं नीचे डिस्कस करूंगा। डी पटेल जो दोस्तों अंडर 19 इंडिया खेल के आ रहा है, दिग्विजय पटेल और के कोताब दे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अगर बॉलिंग फर्स्ट होता है ना बैट फर्स्ट करता है तो बैटिंग से भी पॉइंट्स देगा, सेम प्लेइंग 11 खेलेगा ना, तो एपीएस के पास लास्ट मैच में ना नंबर ऑफ बॉलर कम था तो ये बॉलिंग ज़्यादा करेगा, तो ये तीन हमारे लिए ग्रैंड लीग पिक बनेगा। डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे और उसके बाद ही दोस्तों फाइनल टीम भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इस वीडियो में। एक और मेरा सजेशन रहेगा आप लोग से दोस्तों, रिक्वेस्ट रहेगा जो मेरा टारगेट है अभी वो है 100 के फैंटेसी दुनिया फैमिली यूट्यूब चैनल में, मतलब 100 के सब्सक्राइबर्स यूट्यूब में, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन को ऑन करो एंड जो आपके लिए टारगेट है वो है दोस्तों 100 कमेंट्स एंड 100 लाइक्स। अगर आप पूरा कर देते हो 100 कमेंट्स प्लस 100 लाइक्स तो दोस्तों मैं इस मैच का फाइनल कवरेज आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगा, तो टेलीग्राम भी जरूर जुड़ जाना जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे। तो अभी चलते हैं हम लोग कहाँ पे, हमारे ड्रीम इलेवन टीम में। पहले एनालिसिस करते हैं फिर टीम देखते हैं दोस्तों। शिंदे हाई स्कूल जहाँ पे 150, ये ना अगर एपीएस ने बैट फर्स्ट किया ना ये 200 बन जाएगा, अगर एपीएस ने बैट फर्स्ट करेगा तो 200 बनेगा, वहीं पे अगर जैन बैट फर्स्ट करेगा ना यही एवरेज स्कोर दोस्तों 180 के करीब बनते हुए आपको दिखेंगे, तो 180-150 के करीब अगर जैन बैट फर्स्ट करेगा। एपीएस बैट फर्स्ट करेगा तो दोस्तों 200 के करीब बन सकता है, बहुत स्ट्रॉन्गर टीम दिख रहा है एपीएस, इनके पास बहुत सारे स्टेट के प्लेयर्स भी है। 8 मैचेस टूर्नामेंट में डन, 5 बैट फर्स्ट 3 बैट सेकंड। अक्सर देखना आप हाई स्कोरिंग जो वेन्यू होता है उसमें चेजिंग करना मुश्किल होता है और ये वेन्यू में हाई स्कोरिंग है, एक तो ग्राउंड साइज बहुत छोटा है, आउटफील्ड फर्स्ट है, पावर प्ले का फायदा मिल रहा है और बॉलर्स के लिए कुछ नहीं है, रैंक टर्न भी नहीं है दोस्तों, बहुत अच्छा वेन्यू है बैटिंग के लिए, बहुत तगड़ा। अगर आप देखते हो एपीएस 3 खेला, तीनों विन किया, जगदाले इनके पास, नवाले है इनके पास, दिग्विजय अंडर 19 इंडिया, ओम भोसले स्टेट लेवल प्लेयर है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, टॉप 4 बहुत तगड़ा है। बैट फर्स्ट दोस्तों इनमें से कोई एक भी चला 180 क्रॉस आराम से। यस जगदाले आपके लिए मस्ट पिक है, कुछ ना कुछ वैल्यू दे देगा और कैचेस भी ले रहा है, लास्ट मैच में भी 2 कैच लिया था 19-20-86 उससे पहले, कैप्टन वाला पिक, डिफरेंशियल कैप्टन और एज अ प्लेयर डेफिनेटली मस्ट पिक, बहुत अच्छा तगड़ा क्रिकेट खेल रहा है ये। सौरभ नवाले दोस्तों ये विकी से भी आपको वैल्यू दे सकता है, अच्छा पॉइंट्स देंगे दोस्तों विकी से, लास्ट मैच में भी विकी से वैल्यू दिया था स्टाम्पिंग एंड कैचेस का, मस्ट पिक प्लेयर है, लिस्ट में 9 मैच में 79 रन 20 का एवरेज से मस्ट पिक प्लेयर है, ठीक है कैप्टन बना सकते हो इसको भी। दिग्विजय पटेल मस्ट पिक है और एक चीज़ देखो, दिग्विजय ने लास्ट मैच में बॉलिंग भी डाला 3 ओवर ऑफ ब्रेक बॉलिंग, डेफिनेटली आपके लिए मस्ट पिक है। मैं ना यहाँ पे इनका जो ऑफ ब्रेक बॉलिंग है ना मैंने हाईलाइट्स में मैंने एक्चुअली मिस कर गया इनका बॉलिंग एक्शन देखते, अगर ये मैं एक बार कन्फर्म करूँगा करना चाहूँगा इनका बॉलिंग एक्शन क्या है, ठीक है बाकी प्लेयर्स के ज़्यादातर प्लेयर्स के यहाँ पे बॉलिंग एक्शन मैंने खुद कन्फर्म किया लाइव एंड हाईलाइट्स वगैरह देखने के बाद, ठीक है तो वो सब सही है, इसका थोड़ा सा मैंने कन्फर्म समहाउ मैंने इसका मिस कर गया था नाम, जैसे कि ओम भोसले इसने लास्ट विकेट निकाला था तो ये लेग ब्रेक बॉलर है, लास्ट विकेट इसने स्टाम्पिंग निकाला था, नवाले स्टम्प किया था वो मैंने देखा, तो ये लेग ब्रेक बॉलर है, 2 विकेट निकाला 7 रन, इसका एवरेज देखो लिस्ट में विजय हजारे में 58 का एवरेज, ये टॉप 4 ना इसका बहुत तगड़ा है, कोई एक भी चला तो बहुत बड़ा स्कोर बनेगा, स्ट्रॉन्गर टीम है कीप इट इन माइंड। ये टॉप 4, उसके बाद आएगा रोहित करंजीकर दोस्तों, लास्ट मैच में 20 का नॉक खेला, एक कैमियो खेलेगा बैट फर्स्ट बैट सेकंड, उतना खास मुझे ऑप्शन नहीं दिख रहा है, बट बैट बॉलिंग अगर बॉलिंग फर्स्ट उतना खास ऑप्शन नहीं दिख रहा है क्योंकि बैटिंग नीचे कर रहा है, और अगर समहाउ इसका फर्स्ट इनिंग्स में आ गया बैटिंग तो दोस्तों ये ना एक कैमियो खेलते आपको दिखेंगे, तो ठीक ठाक चॉइस रहेगा आपके लिए, ठीक है। कुणाल कोथावदे अगर आप देखते हो दोस्तों कुणाल को, इसने लास्ट मैच में 3 ओवर भी डाला जो मुझे लग भी रहा था ये प्लेयर बॉलिंग से भी पॉइंट्स देंगे और बैटिंग से तो लोअर ऑर्डर में हिटिंग कर दिया, शायद ज़रूरत ना पड़े चेजिंग में तो बैटिंग का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बट अगर बॉलिंग फर्स्ट बैटिंग फर्स्ट हुआ तो दोस्तों मे भी लोअर ऑर्डर में हिटिंग भी करते हुए दिखेंगे और उसके बाद बॉल डालेगा, बहुत तगड़ा ऑप्शन रहेगा, ग्रैंड लीग में कैप्टन बना सकते हो, बट मैं प्रेफर करूंगा अगर इसने फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग किया तो ही कैप्टन बनाऊँ, ये डोमेस्टिक में ना टॉप ऑर्डर में बैटिंग करता है, 41 का एवरेज है 256 मैच में 676 ओवर 177 विकेट। यश बम्बोली 20 रन बनाया, इग्नोर करेंगे दोस्तों फिलहाल के लिए हम लोग। अमित राठौर दोनों मैच में अच्छा बॉलिंग किया, लास्ट मैच में 1 विकेट निकाला बट ओवर कंप्लीट नहीं कर रहा है, कीप इट इन माइंड अगर फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग होता है तो दोस्तों मिड ऑर्डर के किसी बैटर की जगह इसको यूज़ कर सकते हो, अगर ओवर कंप्लीट करेगा तो और बेटर परफॉर्मेंस दे सकता है, जो भी बंदा
डेथ में बॉल डाल रहा है ना, उसको विकेट मिलने की हाई पॉसिबिलिटीज हो जाएंगे, क्योंकि ओपोनेंट अल्ट्रा अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा है, छक्का मारने का सिर्फ कोशिश करेगा और बहुत सारे कैचेस से आउट होंगे। और हाँ, इस पिच में थोड़ा सा बाउंस है, एक्स्ट्रा बाउंस। सारिश देसाई 2-3 ओवर डाल रहा है समहाउ, और ओवर अगर कंप्लीट करता है तो और अच्छा ऑप्शन होता हमारे लिए। डेफिनेटली अभी के लिए तो दोस्तों मस्ट पिक प्लेयर है, कैप्टन बना सकते हो, डायरेक्ट कैप्टन वाला, नहीं कैप्टन तो नहीं क्योंकि देखो वेन्यू में बैटिंग से स्कोर ज़्यादा हो रहा है, बैटर्स को ही कैप्टन बनाओ, बट एज अ प्लेयर डेफिनेटली ले लेना कैप्टन ना, ग्रैंड लीग में ट्राई करना। अगर बॉल फर्स्ट हुआ अगर ओवर कंप्लीट करता है ना ये बंदा, तो ये विकेट 2-3 भी निकाल सकता है। अगर बॉल फर्स्ट होता है ओनली, इफ देखो ना बॉल फर्स्ट, अगर बॉल सेकंड होता है जस्ट एज अ प्लेयर, मत सोचो ज़्यादा। अश्विन शुक्ला बॉल फर्स्ट डिफेंशियल कैप्टन, लास्ट दोनों मैच में बहुत सारा विकेट्स निकाला और बॉल फर्स्ट डेथ में भी निकालेगा। ये राइट आर्म मीडियम है, ये ऑफ स्पिनर नहीं है, मैंने ऊपर उधर मेंशन किया था, एडिट किया था, ये राइट आर्म मीडियम है। सौरभ चौहान यहाँ पे मैंने एडिट किया था, ये रहा, ये देखो राइट आर्म मीडियम है, कहाँ गया, ये रहा अश्विन शुक्ला राइट आर्म मीडियम है। तो यहाँ पे देखते हो सौरभ चौहान लास्ट मैच में 3 ओवर में 1 विकेट निकाला, ये भी राइट आर्म मीडियम है, ये लेफ्ट राइट आर्म ऑफ स्पिन नहीं है, लेग स्पिनर नहीं है, ये ड्रीम इलेवन में लेग स्पिनर था बट ये राइट आर्म मीडियम बॉल डालता है, मैंने लास्ट मैच में देखा 1 विकेट भी निकाला। इस टीम के पास नंबर ऑफ बॉलर कम था और इसको देख के लग रहा था मुझे बॉल डालेगा। ये बैटिंग भी ऊपर कर सकता है, ठीक है, 34 का एवरेज है डोमेस्टिक में, ये बैटिंग ना इसके आगे करेगा, सौरभ देसाई से आगे करेगा, अमित राठौर के बाद आ सकता है दोस्तों। ये देखो इसका एवरेज देखो, 117 मैच 34 का एवरेज, 3200 रन, 256 विकेट डोमेस्टिक में, अच्छा प्लेयर रहेगा, डिफेंशियल, अंडर-19 खेल चुका है, किसके लिए, महाराष्ट्र के लिए। ओपनिंग बॉलिंग कौन कराएगा, राठौर शुक्ला देसाई, डेथ में देसाई राठौर चौहान, ये ओवर्स डिस्ट्रीब्यूशन देखो, बेसिकली पावर प्ले और डेथ ये बंदा कराएगा, और बाकी इनके जो मेन बॉलर्स थे ना रोहित वो नहीं खेल रहा है, एस मराकली जो डेथ बॉलिंग ऑप्शन है नहीं खेल रहा है। अगर ये लोग खेलते ना लास्ट मैच के हिसाब से, मैं बोल रहा हूँ आपको ए शुक्ला डेथ करते हुए दिखेगा अलोंग विथ एस चौहान शायद, ठीक है, शायद मैं बता रहा हूँ क्योंकि कन्फर्मेशन थोड़े से कम है इनके। लास्ट मैच में ओम भोसले लास्ट ओवर आया था, देखो बॉलिंग अगर फर्स्ट होता है तो लेग स्पिनर डेथ नहीं करेगा, पॉसिबल ही नहीं है, दिग्विजय भी शायद डेथ नहीं करेंगे, तो वैसे में लगता है बॉल फर्स्ट मुझे शुक्ला और चौहान डेथ कराएगा। इवन ये भी बंदा कर सकता है, देसाई या फिर राठौर भी हेल्प कर सकता है। ओमकर खटपे ये एक अच्छे प्लेयर है जिसने फर्स्ट क्लास खेला है, मस्ट पिक हो जाता है खेलेगा तो, और दोस्तों ये 1 डाउन से 2 डाउन खेलेगा, अगर ओम भोसले नहीं खेला तो ये 1 डाउन खेलेगा, ठीक है। यश बरमली ये भी कुछ ओवर डाल सकते हैं, ऑफ ब्रेक बॉलर है, अंडर-19 खेल चुके हैं महाराष्ट्र के लिए। साहिल औतारे 6 और 39, रोहित चौधरी खेलता है तो मस्ट पिक, 3-3 ओवर 3-4 ओवर डाल रहा है और विकेट भी निकाल रहा है, बहुत तगड़ा हिटिंग भी करते हैं लोअर ओवर में। सुमित मरकाली 2 ओवर और 4 ओवर में विकेट निकाल रहे थे, सुमित मरकाली खेला तो डेथ करेगा और टीम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ऐसे भी टीम स्ट्रांग है, बैटिंग बहुत स्ट्रांग है। निशांत नगरकर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स कुछ हद तक बैटिंग किया था दोस्तों, 30 का एवरेज है। मुर्ताजा ट्रंक वाला ये भी फर्स्ट क्लास खेल चुका है, 34 का एवरेज है, फर्स्ट क्लास मतलब दोस्तों कौन से मैचेस, फर्स्ट क्लास मतलब रणजी के मैचेस खेले हैं दोस्तों, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। केट हो गया, कई और प्लेयर्स है, शमसुजामा काजी ये महाराष्ट्र के लिए स्टेट लेवल खेलते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र के लिए सैयद मुस्तकली ट्रॉफी, 26 मैच में 24 विकेट। तो रामेश्वर दाऊद खेलता है तो इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेगा वगैरह, ये JAI से हम लोग आते हैं दोस्तों, इनसे ना ओपन करते हुए दिखेगा सिद्धेश देशमुख शशांक अतारदे के साथ, फिर नीरज जोशी साहिल गैकर सौरभ सिंह अमित गवांडे कुछ होगा दोस्तों टीम का बैटिंग ऑर्डर। देखते हो यहाँ पे सिद्धेश देशमुख जो बंदा ओपन करेगा शशांक अतारदे के साथ, फिर दोस्तों आने वाले यहाँ पे देखो दोनों ने लास्ट मैच में ओपन किया था, ये टीम एक एक मैच खेला, इसका डोमेस्टिक में 34 का एवरेज है, नॉट अ बैड चॉइस, शशांक अतारदे का 17 का है, बट ये फर्स्ट क्लास खेला है शशांक, डिफरेंशियल प्लेयर रहेगा, लास्ट मैच में ये आउट हुआ था, मोस्ट प्रोबेबली ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के अगेंस्ट आउट हुआ था, जिमाले क्या ऐसा ही नाम था, ठीक है, उसके खिलाफ शायद आउट हुआ था जितना मैंने देखा था बोल्ड, ले सकते हो दोस्तों, नॉट अ बैड चॉइस, फर्स्ट क्लास खेला है दोस्तों, वेल्ले वाला प्लेयर नहीं होगा, 6 मैच में इसने बॉलिंग से 23 विकेट भी निकाला, डिफेंशियल रहेगा आपके लिए, फर्स्ट क्लास में बॉलिंग भी डालता है, अच्छा डिफेंशियल रहेगा। नीरज जोशी मस्ट पिक प्लेयर होगा और ये भी बॉलिंग डाल सकता है, 126 मैच में 231 विकेट ओपनर है, दोनों बहुत अच्छा ऑप्शन है, सिलेक्शन लेस हो सकता है इससे, स्पेशली शशांक अतारदे का। साहिल गैकर दोस्तों रन बनाया था 66, बहुत ही अटैकिंग नॉक था इसका, ले सकते हो 134 मैच में डोमेस्टिक में 23 का एवरेज, बट अगर रिकॉर्ड देखोगे ना नीरज और शशांक मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है, और पसंद सिलेक्शन गैकर के साथ जाएंगे। सौरभ सिंह 2 ओवर में विकेटलेस बट 18 रन बैटिंग से, राइट आर्म मीडियम डालते हैं, गवांडे कुछ खास किया नहीं था, शुभम शर्मा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स 19 मैच में 36 विकेट डिफेंशियल प्लेयर, इस वेन्यू में स्पिनर्स प्ले में आएगा, डिफेंशियल ले सकते हो। ऋषभ करवा मस्ट बी प्लेयर है, 4 ओवर में 2 विकेट, नचिकेत ठाकुर बॉल फर्स्ट बहुत ज़रूरी है, 4 ओवर में 2 विकेट और ये भी स्टेट खेल चुका है महाराष्ट्र के लिए अंडर-19।
नींबू ने 4 ओवर में 2 विकेट निकाला। लेग ब्रेक बॉलर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। वरुण देशपांडे 4 ओवर में 2 विकेट निकाला। देखो दोस्तों, स्पिनर्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते इस वेन्यू में, तो दोस्तों मुझे लगता है जो आफ्टर पावर प्ले बॉल डालेगा ना वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रन कंसीड करेगा बट आपको वैल्यू देगा, स्पेशली लेग ब्रेक एंड लेग स्पिनर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। तो निंबोर आपके लिए बहुत ज़रूरी चॉइस है। नचिकेत बॉल फर्स्ट ज़्यादा ज़रूरी है, बॉल सेकंड ड्रॉप रोटेट कर सकते हो। ऋषभ करवा बॉल फर्स्ट ले सकते हो, बॉल सेकंड भी ले सकते हो, एक्सपीरियंस है इसका। 147 मैच में 175 विकेट। ओपनिंग बॉलिंग आर करवा, वरुण और नचिकेत। डेथ में आर करवा, नचिकेत और निंबोर, ये ओवर्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लो। डेथ कौन किया था, करवा किया था और नचिकेत, दोनों मीडियम पेसर हैं, दोनों डेथ किया था। अब वरुण दोस्तों मिल ओवर डाले, पावर प्ले डाला था। एन जोशी 1 ओवर, शुभम 1, सौरभ 2 डाला और आर राहुल दोस्तों इसने भी 4 ओवर कंप्लीट किया था, 17th नंबर ओवर डाला है इसने। ये कुछ है, इनके भी स्टेट प्लेयर बहुत सारे हैं। यश नहार इनके स्टेट लेवल के प्लेयर से खेलता है तो मस्ट पिक प्लेयर हो जाएगा। शायद मुस्तक अली ट्रॉफी खेल चुका है, कई और प्लेयर्स हैं। चलते हैं दोस्तों ड्रीम इलेवन टीम में। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को भी शेयर करो और ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम। डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक ऐड कर दूंगा। दोस्तों फिलहाल जो मेरा ड्रीम इलेवन का टीम रहेगा ना, उसमें मैंने कैप्टन ओम भोसले को बनाया और वाइस कैप्टन बहुत ज़्यादा रिस्की अतरादे को बनाया। लास्ट मैच में इसने बॉलिंग नहीं डाला था बट ये ओपन आया था, फर्स्ट क्लास खेला है। शायद इसको वीसी बनाना बहुत ज़्यादा रिस्की लग रहा है, तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में वाई जगदले या फिर डी पटेल को भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलो मैं ये आपके सामने ना थोड़ा सा इनके वीसी हटा के डी पटेल को बना दिया, क्योंकि लास्ट मैच में इसने बॉल डाला तो सेफ लग रहा है। जगदले हमारे पास, नवाले हमारे पास, हमने देसाई और शुक्ला को ले लिया। अतारदे हमारे पास, आर करवा, आर निंबर, एन जोशी और दोस्तों एन ठाकुर। ये टीम ना बहुत ज़्यादा वीक नहीं है जैन, बट APS का बैटिंग यूनिट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो जैन के बैटर्स आपको शायद इस मैच पर रन बनाते हुए दिखेंगे, कीप इट इन माइंड। स्टिल मैंने ये टीम डिसाइड किया, अगर जैन ने बॉलिंग फर्स्ट लिया तो दोस्तों स्लाइटली टीम चेंजेस हो सकता है, जैन अगर बॉल फर्स्ट करता है तो, ठीक है। तो ये टीम ठीक है, बट अगर जैन बैट फर्स्ट करता है ना और इनके स्टार प्लेयर्स एस मार्काली जैसे प्लेयर्स अगर इस मैच में खेल जाते हैं तो दोस्तों उनको मैं ऐड करूंगा। मे बी निंबोर को हटा दूं, बट मैं इसको नहीं हटाऊंगा और इसको भी नहीं हटाने वाला, इसको भी नहीं हटाने वाला। इवन नीरज ठाकुर को, एन ठाकुर को भी आप हटा सकते हो, ठीक है। फिलहाल ये रहेगा कवरेज इस मैच के साथ। अगले मैचेस के कवरेज अपडेट डेमो टीम शेयर होगा टेलीग्राम पे, जुड़ना है आपको टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में लिंक एडेड है। थैंक यू, एस मिलते हैं मैच टाइम पे टेलीग्राम पे। थैंक यू।